नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैकबोन अमित पर स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखें और सहयोग करते रहें। 186 करोड़ की लागत से 1200 लोगों की बैठने की क्षमता रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन जल्द होने वाला है। रुद्राक्ष के डिजाइन जापान की एक कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने किया है और निर्माण का काम भी जापान की ही फुजिता कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ने किया है। यहाँ बड़े म्यूजिक कंसर्न, कॉन्फ्रेंस, नाटक हो सकेंगे और प्रदर्शनियाँ भी लग जाएंगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव 2015 में उस समय पड़ी जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी आए थे। प्राचीन और जीवंत शहर को जापान ने भारत से दोस्ती का एक ऐसा नायाब तोहफा रुद्राक्ष के रूप में दिया, जहां अब बड़े म्यूजिक कंसर्न, कॉन्फ्रेंस, नाटक, प्रदर्शनियां जैसे अन्य कई कार्यक्रम इस बिल्डिंग में आसानी से हो सकेंगे। बिल्डिंग को बेहद इंटेलिजेंट बनाया गया है, खास तौर पर फायर फाइटिंग के लिए। वाराणसी के मुख्य अग्निशमक अधिकारी अनिमेश सिंह ने बताया कि बिल्डिंग में किसी भी तरह की आग लगने पर कार्यक्रम देख रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। इंटरनेशनल फायर स्टैंडर्ड के मानकों से सुसज्जित किया गया है बिल्डिंग में आग को रोकने के लिए। इसे कई कंपार्टमेंट में बांटा गया है। 450 स्क्वायर फीट पर एक स्मोक डिटेक्टर है। रुद्राक्ष में 199 स्मोक व 53 हीट डिटेक्टर लगे हैं, जो मेन फायर अलार्म डिस्ट्रेबल पैनल को सूचना देते हैं जिस कंपार्टमेंट में आग लगा होता है वहां खुद ही वाटर कंटेनर बन जाता है। रुद्राक्ष में 12 कंटेनर लगे हैं, वाटर कंटेन लगे हैं, जो आग को वहीं रोक देते हैं और लोगों को सुरक्षित निकलने का समय मिल जाता है। इसके अलावा फायर डिटेक्टर स्वतः ही हाल के दरवाजों खुल जाते हैं, धुआं होते ही स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम चालू हो जाएगा जिससे धुआं इमारत से बाहर हो जाएगा। एलिवेटर लिफ्ट तक आग पहुंचाने पर लिफ्ट खुद ही बंद हो जाती है। मोटराइज्ड फायर डैम्पर सिस्टम लगे होने से सेंट्रलाइज्ड वातानुकूलित का डैम्पर स्वतः ही बंद हो जाएगा जिससे धुआं कहीं भी नहीं फैलेगा। दिल्ली के उपहार कांड में इसी डैम्पर के खुले होने से पूरे हाल में धुआं फैल गया था। फ्रेंड्स, ज़्यादातर मौतें धुएं से ही दम घुटने से होती हैं। कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में पूरी इमारत की स्थिति को देख सकता है, पीए सिस्टम से आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। शिवलिंग की आकृति में बनाया गया रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसमें अल्मोनियम के 108 बड़े पंचमुखी रुद्राक्ष लगाए गए हैं। जितना खूबसूरत ये देखने में लगता है उतने ही इसकी खूबियां भी हैं। फ्रेंड्स, सिकरा नगर निगम के बगल में 3 एकड़ 13,196 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, यानी कि 186 करोड़ के लागत से बना हुआ कन्वेंशन सेंटर 120 वाहनों की पार्किंग बेसमेंट में बनाई गई है। ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल को लेकर हाल होगा जिसमें वियतनाम से मंगाई गई ढेर सारी कुर्सियां लगाई गई हैं। 1200 लोग इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी दोनों दरवाजों के पास 6-6 व्हील चेयर का इंतजाम है। हाल में बैठने की क्षमता पार्टीशन से भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा आधुनिक ग्रीन रूम भी बनाया गया है जो 150 लोगों की क्षमता वाला 2 कॉन्फ्रेंस हॉल है और गैलरी भी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए और साथ में नोटिफिकेशन ऑल करें, इससे जितनी भी आने वाली वीडियो रहेंगी आपको सबसे पहले आपके चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स वॉचिंग फ्रेंड्स, हर महादेव।
Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love.